घट नसर नवि संधि बोली इतनी महावरातिया है मां कुछ नाला थे सब मां जाया अली बाया जब जिया मान में नहीं जाने मन में अली मोहम्मद राष्ट्रीय साहब जो नसर तमाम महावरातिया है ईडी में टिका है या मिसाल तौर उन्हीं का पहुंचाऊं था तो असा के नजर अचे तो अदीबन में साहब अली बाबा की बोली तमाम महावराती है अब्दुल कादिर जुनी की बोली ताली महावराती है मुमताज मिर्ज़ा की बोली तमाम महावराती है हसीन राइटर है नसर मुखे तो जरे दिल चवंदी आ तो सिंधी नसर ते जी जो को हुसन मान दे तो सदा सुईदा कापड़ी ताडो से हैदराबाद के लती साईं सक्रम आए तो कापड़ी सदा ही सोई होता है सदा सोए तकापड़ी तकापड़ी जे केन वो सदा ही दुख ही हाल में होता है सदा ही सोई में होता है सदा ही गम ही के होता है अरे सुनी सिटे सदा सोई तकापड़ी सो परी में मौजूद भी आए एक आप किताब रेड़ा गुलाम रब्बानी आगरो साहब जितने मां उनकी शख्सियत के तो पसंद ना आया तो रिकॉर्ड करते पर नसर जो कमाल है हैरत है ये केतरा मानू आए सिंधी बोली में तो पलीय साहब भी उनमें कमाल नसर आए तो पलीय साहब के नसर ते कोहिस्तानी लहजो हावी है लतीफ साईं की शायरी में घणो लहजो वो हावी है पलीय साहब के अंदर जहाँ अवामी फाम की जहाँ सलाहत है दुख्य शयन के अवाम की सतह से आने की वाबर में मौजूद है उनमें पलीय साहब तरकीब तौर जी महावरन के इस्तेमाल तो करें चवण पहाकन के इस्तेमाल तो करें पलीय साहब तक मुमकिन है सवाए गालण तो लिखण सवाए पहाकन के चवण के छो तो जहाँ महावरों आ चवणी पहाको आज गालूजे बंद कर सो नसर कमाल जो है पर पलीय साहब जो कहानी कितनी जबरदस्त लिखल आई पर पलीय साहब की बहसियत जहाँ नकाद की हैसियत है सिंधी अदब में नौजवान वेठल है उन्होंने चाहे तो जान था पलीय साहब एक तमाम बेरहम नकाद हो सोनो नकाद पलीय साहब के लिए जफर उजन के जमाने में भोग करा पलीय साहब बुधा ढो खिल पलीय साहब बुधा जफर ये तारी अच खिलो ढो जफर चो तो नकाद जो कम हों खल की मर ना उस्ताद खल ले माना मान मान नकार ने कमा ने खले मत मर ना है तो पलियो दा ठा तो करे वो माले खले आया तो इनी करे तमाम बेरम है ए वो उन जो जो खास इंफ्रादी स्टाइल भी आए पर यो उन जो माउजी तो का मुतासिर भी आए लेनिन भी है मिजाज ये सगे जरह जाए मिजाज है ना जरह वाला मिजाज लेनिन भी है माउज तो सब वधी है ए इनी करे पलिय साहब पान भी मिजाज जो असर बन जाएंगे पर जेके तंकीद में पलीय साहब जहाँ वो तो घना ही शिखल पर सिर्फ ब मिसाल जहाँ टाइम घटन के घा मिसाल है पर मिसाल चाहे हिंसर मूँ पलीय साहब से रिकॉर्ड क्या प्रोग्राम में एक इंटरव्यू पे पर ब रिकॉर्ड बया थे तफसील से उन्हीं में गड़बड़ या थी तो नूर जुनेद साहब रिकॉर्ड क्या तो बो पार्ट वो तमाम तफसील से रिकॉर्ड थोड़ा वो साउंड खराब अरमान तो वो जाहिर थी इन कर टों रो हाँ जो बो रिकॉर्ड करा तो रखी बो रिकॉर्ड टों के सो बहरहाल तो उन्हीं में मान तफसील से गाल खन इतने नुकता वा तो बहसत नकाद ऐसो पलीय साहब एक अड़ो मुफक्र अदीब है जो बुनियादी तरह पे मिट्टी में इनकलाबी है इन कर इनकलाबी चूं था तो उनके मजे खातर लिखने वालों ना हालांकि खराब जहाँ रुआ भी ना तो कोई मूँ जिंदगी में जमाले की शूं बेसुन शे ठीक है यहाँ का खराब ना इंसान की आर्ट जो पर जो इनकलाबी थन था मूँ उनको हर जा हर शे में मकसद थे तो बिना मकसद के शे को इन कर पलीय साहब ये तो पलीय साहब की तनकीद के अंदर मिसाल तौर जैसे दौर आयो सठ के दहाके में असल में सिंध में जदीद अदब जो दौर आयो मिसाल किशन चंद बेवस गदाई नौजवान साथियों सिंध जहाँ वारसों साथ हलो रहे लाट बरदी रहे गदाई या किशन चंद बेवस अवामी तौजू
अलाश झुरे मशाल गरीब जी झूपड़ी या मिसाल तौर शेख आज उस्ताद फानी खेलदास का एतरा मानू हाँ वो दौर कंस्ट्रक्ट उन दौर जो उरूज साबित थो शेख आयास शायरी में तो वो जी रिवायती जी शायरी बीह कई अदब की वो इतना रुली ए मौजू कड़ा अची आया तरीका कड़ा अची आया सिंफू कड़ी अच्छी अस डिगो जल्दी थी फिटल इन कर वो रदेमल सामू आयो कंजर्वेटिव पुराण पसंद उन्होंने वो सख्त रदेमल सामू आयो तो यो सब कुछ हाँ उनके बी गुज न पी हाँ कर आजम थे नो उनके यो तो यो गैर इस्लामी हालांकि अदब न ईसाई होंद न इस्लामी होंद न हिंदू होंद न बोधी होंद अदब अदब होंद हाँ उन सिलसिले में पलिय साहब का अग में भी बिन मानू लिखो बिन्हीं कमाल तो लिखो सब का पे लिखो इब्न हयात पवर साहब नो पंपलेट हो टी पटी सुख जो उनके बारे में पर वो नो बुकलेट हो शानदार बो जो आलमाना किताब कमाल जो लिखो वो लिखो मौलाना इकराम साहब मशरकी शायरी जहाँ फनी कदर ए रुझानात कमाल ग्रामी साहब पान जालिम हो अदीब हो शायर हो अफसोस तो नदी में गुजारे उम्र भी वही को छवंजा साल गए टों उन्नी सिलसिले में पलिय साहब लिखो जो मकाल ही आए शायद अंधा अंधा भी दिया लतीफ साईं जो बैत है सिट ही नड़ी खी आनवान में साईं जो बैत है अंधा ऊंधा वेद चाहे केर पे हो चाहे पे बीमार जो अगे अभरो बीमार वो भी चवे पूरे तबीब के ए अंधा ऊंधा वेद तो वट मुझे लाल आए को अगे सुर में आया पर ये समाज अगे सुर में अगे जालत में गुलाम में मत आए मुड़ो बीठो जै वट असो कोई इलाज को अंधा ऊंधा वेज खल कुजाड़िया खाइए ए अणजाण कूड़ा तबीब तू मु खल छ खल खाइए माना बारह में इंदा तो डब दींदा बीमार डब चो खल खाए अंधा ऊंधा वेज खल कुजाड़िया खाइए अस दुखी डील में तू प्यार असे अगे ही अभराय अस सगारी शे खे उतारे दी है तू वो मत पे पे बीठ पर मोल हुई आयो अस पलीर साहब जो किताब लिखो कदो उन्हीं में हम जाहिर तुम समझो तो पलीर साहब की उम्र इन लिखण के जमाने में या घनी होंगी टी जन्म आज मतलब आ चौटी पंटी साल की उम्र हिसाब मानो आलमान कैलिबर जो चौटी पंटी साल की उम्र में उनके एडी दसरस है फारसी शायर के उनके एडी दसरस है पितर रिजान तमाम आलमाना उम्र एतरी किताब लिखो आखिरी मौको है उन ताबूत में यह रिवायत लिखा है जिन छे भाई जिन तो को छे भाई पर मतलब वक्ती तरह उन सिको वही पलिय साहब वो तो मजमून तमाम घना पर सत्तर के दहाके में यूरोप में तहरीक उठी सठ के दहाके में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उठी फिफ्टीज में उठी वही चवेंदा जदीदियत जदीदियत जो माना फलसफियाना भी है साइंटिफिक भी है पोलिटिकल भी है अदबी तहरीक माना भी है माना भूलो ये जहाँ तहरीक जो थी वह वजूदियत वाले अदब अची हुई जी वजूदियत फलसफे का मुतासर हुई सिंधी अदब में आई जो बुनियादी प्रीमिस या बुनियादी उनको नुकतो यो हो तो इंसान जो अकुल अहम ना इंसान जो वजूद अहम है अकुल इंसान जो वजूदी बहरान हल कर काबिल ही ना लवे लबाब उन सजे फिक्र ए तहरीक जो बुनियाद फलसफिया रही है अकुल सानवी शै वजूद बुनियादी है अकुल इन काबिल ना तो वो वजूदी बहरान के हल कर सके हाँ जब तक अकुल खसजी हो तो हल कद इन नतीजो वेगान वेगान ई नुकदर है इन करे ताने वेगाना पे ताने इन करे लगो नहीं पड़े पली दा किताब को संधी जात हंजन लतीफ साईं की सिट रहे तो संधी जात हंजन मोह कोड़े मोती चुड़े जेका हंज हैं ना उनकी जात पहुंची आ उनके उनकी जात ही पहुंची आ वो ये किनारे जा छिल रगों खाई ना है
उहे किनारे ते इहे काले रोको छाछर में छेरूं करे इहो हंज न कंदो ईअं कॾहिं हुनजे तणदाड़े जो शेर आहे त हंज तित ई होए तूं पुछी पियो हंज किथे हूंदो त जवाबु ॿुधो हंज तित ई होए माना उते हूंदो हंज तित ई होए उन में उड़ाह जो तूं पुछी पियो हंज किथे हूंदो तय थियल आहे न हंज किथे हूंदो हंज त उते ई हूंदो जिते ऊनो आहे समुंड तित ई होए उन में उड़ाह ई कान्हे रो कोई छाछर में छेरूं करे बघेओ कम आहे उन जे बारे में पितो किथे हूंदो त बगो किनारे ते मोल मछियूं खाईंदो त इहा सिटो खई त संदी ज़ात हंजन मुंहुं फोड़े मोती चुने त पलीअ साहब तरक़ी पसंद अदब में ऐं उहो जेको अदब जी आलमी लहर हुई ऐं असां वटि ॻाल्हि उनजे बारे में तमामु उनजी ॿोली तमामु बेरहम आहे ऐं उनजी ॿोली में किथे किथे मूंखे जुज़वी इख़्तिलाफ़ु महसूसु तॾहिं बि थींदो हाणे बि थींदो आहे किथे किथे लफ़्ज़नि जे चूंड में इंतिखाब में पर किताब कमाल उहो त इहे पुलिस तमामु घणा आहिनि ऐं मां टाइम पूरो पियो थिए 10 मिंट बाक़ी आहिनि पोइ सुवाल कंदासीं पलीअ साहब जे अदबी परख में जेको वॾो कारनामो हिकिड़ो वियो आहे जंहिंमें हुनजी इंफ़िरादीअ ते उहो लतीफ़ यार असां लतीफ़ यार ते पलीअ साहब खां अॻु में डॉक्टर गुरबख़्शाणी वटि काफ़ी तश्कील थी साईं जी एम सेठ पंहिंजे किताब पैगाम लतीफ़ में बि कामयाबु कोशिशि कई त हुन पहिरियों दफ़ो सियासी एंगल खां नुक़्ते नज़र खां लतीफ़ साईं खे ॾिसणु शुरू कयो ऐं हुन हुनखे क़ौमी शायर तौरु पेश कयो जेको तजुर्बो कामयाबु हो छाकाणि त उहो हुन लतीफ़ साईं जी हिकिड़ी नई शरह हुई ऐं उहो शानदार कमु अलीअ साहबु उन्हनि ॿिन्ही खां मुख़्तलिफ़ टियों पासो खयो जेको हुननि ॿिन्ही कोन खयो मिसाल गुलबख़्शाणी साहबु इहो खयो त बाबा ओलिया ओलिया कोन्हे हुन अज़ीम शायर ऐं साईं जी एम सेठ ते इहो खयो त बाबा उहो क़ौमी असांजो रहबर शायर उहो ॾाढो शानदार लिखियो पलीअ साहबु लिखियो खणी घटि कोन लिखी पर हाणे किताबु शायदि थी वियो आहे मुंहिंजे तकरीरुनि लेक्चरनि जो पलीअ साहबु पंहिंजे गुफ़्तगुअ सां पंहिंजे लेक्चरनि सां पंहिंजे तकरीरुनि सां झर झंग वञी सिंध में सवें छा हज़ारे प्रोग्राम करे मां सम्झा थो लतीफ़ खे सिंध में अवामी सतह ते एतिरो सिंध जे माना लतीफ़ जी तारीख़ में को माण्हू खणी कोन किताब माण्हू लिखिया आहिनि पर अवाम ॾे ईअं खणी वञनि एतिरे वॾे पैमाने ते ऐं एॾा वॾा वॾा मौज़ू एॾे सादे हाणे माण्हू त जलसनि में हर क़िस्म वेठा आहिनि साधू मज़दूर वेठो आहे हरी वेठो आहे शागिर्द वेठो आहे आड़ वेठो आहे घणो पढ़ियलु वेठो आहे घटि पढ़ियलु वेठो आहे सभिनी जी सतह ते अची ऐं लतीफ़ साईं जा नुक़्ता इहे बयानु करणु उनजे फ़िक्र खे बयानु करणु इहो तमामु वॾो कमु हो ऐं लतीफ़ खे अवामी सतह ते आणण में अवामी सतह माना अवाम जी लेवल ते आणण में न लतीफ़ खे अवाम जहिड़ो बदिले माना अवाम जे फहम जे अंदरि दाख़िल करण जे ख़्याल खां पलीअ साहब जेके लतीफ़ साईं खे जीअं बयानु कयो आहे उहो निहायत हैरत अंगेज़ आहे ऐं मां साईं चवंदुसि पलीअ साहब खे ॿिया बि चवंदा माण्हू पर मां पोइ जवाबु ॾींदो मां जॾहिं चयोमांसि तव्हां हिते जेल में तव्हांजो हुयो एतिरा साल सत साल पोइ सतां जो ख़्यालु न आहे पर तव्हांखे लतीफ़ हुजे रिसालो आहे जेल हुजे त बाक़ी मां ॿुधायो सत साल टाइम वारो पोइ ॾोकाईंदो हुजे तूं मां जेल में गॾु हुजे त पोइ लिखी ॾियो वरी हाणे मां त रहिजी सभु कोन जेल में आहियां पर पोइ चवंदो हमेशह हुयो त इहो कमु मूंखां वठो इहो पर ॻाल्हि हुनजी एॾी मसरूफ़ ज़िंदगी सियासी हलण वारी जंहिंमें ईअं गोॾा खोड़े वेही किताबु लिखण वारो उन वटि ज़ाहिर टाइम न ऐं काश लिखियो छाकाणि त अहिड़ा माण्हू हर हर कोन्हे हुन वटि सबबु बि आहे सबबु हिकिड़ो त लतीफ़ साईं खे अलीअ साहबु इन करे बि सम्झी पियो सघियो गहराईअ सां जो हुनजो आलमी अदब ऐं शायरी जो वसी मुताबिक़ ख़ासितौर ते पोइट्री जो हुन वसी मुताबिक़ क्लासिकल टाइम ॿी ॻाल्हि इहा आहे त पलीअ साहब जी जेका लतीफ़ साईं जी ॿोली आहे उनजो वॾो पासो हिनजे पंहिंजे घर जी ॿोली आहे उहा सॼी कोहिस्तान जी ॿोली आहे लाड़ जी त हाणे ज़ाहिर आहे इहा घोटकी वारे खे दादू वारे खे ऐं ॿिए पासे वारे खे त वॾो टाइम लॻंदो सम्झो जीअं असां पंहिंजी उमिरि थींदी आहे तॾहिं पर पलीअ साहब जी घर जी ॿोली हिन करे कोहिस्तानी ॿोली खाईए आणीए चाड़ीए छा आहे कोहिस्तानी ॿोली आहे लाड़ जी ॿोली आहे त पलीअ साहब जी घर जी ॿोली आहे टियों
तो पनीर साहब ज़ाहिर है वो वो मुफक्र भी हो, अदीब भी हो, पारकू हो, तो उनके लतीफ़ साईं के इनकलाबी शायर तौर पेश कर में उन्होंने वो गैर मामूली कारनामो है। न उन पैर कोई इन ये इनकलाबी माना में और कर सको इन माना में या पास आए बन सो यो वो पासो है तमाम लतीफ़ याद जो अली साहब भी कुछ गाल जे करें गाल के हलूँ था पुजानी तरफ वी कुछ हाँ ये तो मिसाल तौर पुजानी तरीके जो छण जदोजहदू लॉन्ग मार्चू आवाम के अंदर तहरीकों के पैदा कर सिंध के इशूज पे स्ट्रेटजीज ठाए बीहारण हिकमत अमलियों ठाए बीहारण नुक्त नज़र ठाए बीहारण गस वाटू दई बीहारण इन्हीं में वो बेमिसाल थे। इन में वो स्ट्रेटजिक अफेयर्स जो वो तमाम जानू वो कारीगर भी जानू पो हुनर हो शूं कि ठाए बीहार ये सब शूं पर उन गो गड हाँ ये सब जान था इन करो कह यो समझाने नई गाली तो पलिए साहब जुदल निकली हुई पलिए साहब कड़े पाए जो अगवान हो वो तो ज़्यादा तो पलिए साहब की जिंदगी जो मतलब ही स्ट्रगल है उनकी जिंदगी का उनके धार कर रसूल नालो ही मिला पर इन से गो गु कुछ मां नौजवान वेठल तो कुछ अड़ी गाल आखिर में जी अस सबक हासिल कर सकूँ था जी गैर मामूली माम उन्हें महसूस क्यों क्यों यकीन पर मूं क्यों उनमें कुछ गाल कर मिसाल इल्म से इश्क की गाल कर सियासत में सजो ढी हमातन गोश पूरी तरह मानू हुए अदब ए फन के कद हथ में न कड़े सियासत के जोड़े हल या पुलिस साहब कमाल गाल हुई पाकिस्तान में घटा तमाम ये अस सिंधियाँ जी गाल कई तो समाज के अद आबादी के गड खी हलने का सवाल पुलिस साहब हमेशा इन गाल साबित भी कर दिखाया वह कई बार नौजवान शूं तमाम घना पास है पर कुछ मां गाल बे आखिरी करना चाहे तो तमाम आम है वो ये पलिए साहब जी तो लतीफ़ जो सही माना में इदराक रखने को लतीफ़ जो सही माना में हम ख्याल हो या लतीफ़ यार जो शागिर्द हो लतीफ़ उन रूह में लथल हो पढ़ल भी हो जो गढ़ल भी हो इन करे पलिए साहब में भी वही गाल हुई तो उन जिंदगी में यो तस्वर ही न हो तो को कम इन करे न कजे छाकाण ते थी न सको लतीफ लतीफ फिक्र भी हुई लतीफ साईं जो को भी किरदार इन गाल जो मोहताज ना है तो यो कम तोड़ ताई वेंदो कोन थींदो कोन तहां पंहिंजे पति जो कम कंदा हलो अॻियां छॾियो तारीख़ ते तारीख़ जदरियात ते तारीख़ जे कुवतुनि ते ऐं हुन खां मायूस वठो पाणी अॻियां सफ़र थी वेंदा शिकिलियूं वठाईंदा पिया ठीकु आहे माण्हू मुख़्तलिफ़ हूंदा नाला मुख़्तलिफ़ हूंदा शिकिलियूं मुख़्तलिफ़ हूंदियूं पर तव्हांजी कमाई ज़ाहिर थींदी उहा तव्हांजी शयूं ट्रांसफॉर्म थींदी त पलिए साहब हिकिड़ी ॻाल्हि असां वटि हर माण्हू वटि ॾह बहान आहिनि अलाए हे मां कमु कयां थींदो कोन अलाए हे मां कमु कयां पूरो कोन थींदो अलाए समाज अहिड़ो न आहे हे माण्हू बि क़ाबिल न आहिनि माण्हू बि अफ़ाल अहिड़ो कोन्हे त इहा हिकिड़ी तमामु वॾी ॻाल्हि हुई जेका पलिए साहब हुई त पलिए साहब में कॾहिं बि हुनखे माण्हुनि जे बजाए पंहिंजे शऊर ते वेसाह हुओ इहो कमु करिणो आहे ज़रूरी आहे ज़रूरु कबो जेसि ताईं थियो जेतिरो थियो नतीजनि खां पहिरीं असां इहा तमामु वॾी ॻाल्हि ऐं इहा रुगो पलिए साहब न आहे हर वॾे माण्हू जी निशानी हूंदी आहे वॾो माण्हू हूंदो ई न करे आहे वॾो माण्हू हूंदो ई न बाक़ी वॾे माण्हू खे छा कन वॾा हूंदा आहिनि छा हुनखे वॾे माण्हू हथ वॾा हूंदा आहिनि छा हूंदो आहे वॾे माण्हू वॾे माण्हू जो इरादो वॾो हूंदो आहे ॾाह वॾी हूंदी आहे इल्मु वॾो हूंदो आहे इदराक वॾो हूंदो आहे बहादुरी हूंदी आहे ॿी ॻाल्हि पलिए साहब में चीड़ो हुजणु माना कम सां लॻो रहणु हिकिड़े भेरे मूंखे यादि आहे मां इबरत में एडिटर हुउसि ऐं त पलिए साहब सां ॾींहुं राति कंदो आहे त पलिए साहब मूंखे फोन कई चई हिकिड़ो कमु आहे मूंखां थिए पियो उहो अॼु ताईं पाण सलाह कयूं हेल्प करे मूंखां अकेले सपोर्ट थो थिए मां चवां
ऑफिस में ट्राई किया, ऑफिस में पहले अच्छा था तो गर्मी जुल्म जी, जुल्म जी गर्मी जून जो महीनो को हो हैदराबाद में बड़ी गर्मी तमाम। यह गाल में 2001 की तो आयस पलिए साहब, पलिए साहब गर्मी थी नहीं था अनवर माना गर्मी एडी उनके भी थे गर्मी थे गर्मी इतनी उनके भी थे पई नहीं तो चाहिए कमाए या तो सलाह थी इतने में मुझे की हद बैठो मां फैन तो टाइम मुझे सवा भी टाइम बजे गर्मी सिज ये बैठो तो सिज नजर पा पलिए साहब गिटी लगाए डिटेल वाली गर्मी जुल्म की बाबा मानो पखी ने तो बार भी सके यहां तो पा तो लेते पंच चक्कर गर्मी में इंसान हाँ पान के इतने थद लगती बाहर जो पान अड़ी अजाब गर्मी में थी आया हिंसर पान कलाक में थद लगती लगे बेहतर इन बजाय बेदार थे तू तो ऑफिस में आया हुई थदी ऑफिस में हाँ पान के इन कमरे में वाकई मुझे लगो पेड़ी गर्मी में आया तक चलो वो इन गाल जो मोहताज न हो तमाम साजगार है ना यो अस तमाम वही गाल निशानी तो उनमें यह शय होती टी गाल जेन्युन मानू में जुगाड़ी मानू में उनका सवे फर्क हूँ पर एकड़ो फर्क तो तमाम बुनियादी याद कर जुगाड़ी ना वो हमेशा समझो तो माँ के माँ दिसन का कोई अच्छा बाबा कंदा कंदा हूँ माँ मुझे ये काम दाखिल दे पे बोल पे थे मतलब तो माँ वो जुगाड़ी मानू नंढड़ो मानू मानून जी बाबा जो मोहताज है मानून जी अजाई मुदारी जो मोहताज है या बस सच्ची मोहताज है जेन्युइन मानू के इन गाल जी मोहताजी न हो दिया तको दिसे पियो को बुधे पियो को समझे पियो को वाहवा कंदो को न कंदो पया शय मुझी नड़प में इंदी को न इंदी मुझे जमीर और शऊर समझो आ यो सही है यो काफी है पलिए साहब के मां हमेशा लिखो तो पलिए साहब मतलब बारन सा बैठो हो न का मीडिया न को फेसबुक न सोशल मीडिया न को जैसे सोनस वाले खबर ही नहीं जाती भाई इतने में लगो क्या कर ना मतलब नहीं की बाबा थी न को जैसे से हो न को बाहर में आ गई या ये मान सा बारन सा शहर सा सफा साधन साधन पलिए साहब की इलेक्शन जी 88 में पलिए साहब जो मां पर्सनल सेक्रेटरी हुस पलिए साहब का गाड़ी में मां इंदो हुस जो सारी इलेक्शन बाकी दो से ज्यादा पैसा मिलता तो पलिए साहब जो पर्सनल सेक्रेटरी जो गाड़ी में लगे वो काम करता इलेक्शन का पूरा बम है पूरा अजय तजुर्बा दूंगा एकडे मेरे गोठवा से मां मुंजी भी तो उम्र जमाने में 19 साल है एक गोठवा से याद है सुंदर के पास में कब्रिस्तान के पास में गोठो याला करो गोठो वाली हो गया प्रयास कर मानू बाहर खटन में बैठा खटू पे उतारे दीजिए पलिए साहब अस आया से बटे गाल पलिए साहब नो माँ नो एक मू उथो को खट का उथी भी कर्सी में रसुल पली जो आया तो कोई उथो को मुख्य अजीब खराब लग रहा पलिए साहब शेर तैयार हों नरगो यो है तो उठो कोन को मानो पर बेहन ला पहुंचे रिलेशन के पे मुंजो सब तन मन भरी मागे ही फौजी कार जो पड़ी आयो सो बता वर चाडियो बस तो ये के बात है ननो नौजवान मानो मुखे लगी कावट है मुखे पलियो सा बीचो पाने के शर्म ना है बड़ो वोट ता सदी ता बयान त दियो चौथे पर कुछ भी ना चयो उते बीठे बीठे के मानो चयो अरे रसूल बश गाल आए त अस अगे तापो ले मोकिल अस वोट बाबू गुलाम सिंह अस एडी सूरत पलिए साहब वेटो न चवे पलिए साहब पिंट बीह तो गाल शाह बस जबरदस्त
सिंध के अड़ो ही किरदार खपे, सिंध के अड़ा मूँ खन जो मोह चाहिए मोहते पूरा दिल से न दिन मूँ मोटे बसर हजम को बड़ी उस्ताद हई बड़ी इनके बड़ी राजी थी बड़ी गाल हजम को पुलिस गारी बेटा मुझे मूड खराब हो बैठा पास हकीम ड्राइवर जो पलिए साहब मुख्य दोस्त को पुटो पे वेठो पलिए साहब अंग्रेजी में तू मन लगे तो माइंड के तमाम घो खबर हुजन इदराक हुजन शऊर हुजन असो हो आयो पे वीह साल तो दोही कोने पो दो हाँ सारी गाल उल्टो कर रोज गरबा थी रोज सुबह शाम मानू नॉर्मली बी तरह रिएक्ट कर पलिए साहब बी तरह किस्म ये तरबियत होंगी पलिए साहब में वही गाल हुई तो माना नंढड़े का नंढड़ो कम कर वही कह दरअसल जो वो मू घो जाहिर थी नंढन कम वा कम तो हुई पान कराइंदा पलिए साहब कमाल मान हर किस्म के मान एक भेरे इन इलेक्शन दौरान हलूँ पाया झिड़क वाले पास तो पलिए साहब चो तो हम पा झिड़क पास में बात हाजिर झिड़क पास जी हकीम चीज फिलहाली जाए हलूठा बाबा वो पोया अगर पूरा गजाणी आए ना ना से तल सो सिस्टम आ फलानो मूटो जीरवा गुजारो जीरवा मिलो मू सुा तो पलिए साहब मू सुा तो पलिए साहब वेहो वेहो सर क्यों तकड़ो आया मिलो आयो सब पलिए गैर हाजिर दिमागी या गाल मां चवंदो आहियां त बेपनाह ज़हीन हो पियो हो ऐं तमामु बेचा हुयो पर हुन जे मिज़ाज में हिकिड़ी फ़क़ीरी बि हुई फ़क़ीरी जो सुफ़ियाणे मिज़ाज वारी न फ़क़ीरी माना में त मुंहिंजो नाहे ख़्यालु त कॾहिं ज़िंदगीअ में कपिड़े जो वॻो वठणु पाण बि हुजे पंहिंजे लाइ मुंहिंजे बारे में हालांकि मां हुन सां दावा करे सघां थो त जेके हुन सां क़रीबी क़रीब माण्हू रहिया हुन में बि मारे बूट कड़ो पाई चप्पल कड़ी पाई कपड़ा कड़ा पाई कोट
आखिरी बटे कोट में मां ऐन में मेहमान इंदा पली दा अलग केड़ी कुतल को पर सही छाए वही दोने घर में आदी जाए चाह दी तो ने एक में दूध डाले दादा मां की तो पार कर दी आखिर तो मेगल साहब आ रहे थे पली दा तो अलग केड़ी कोट कड़िया स्त्री जन्म थी मां तक को भाई ने छिया शादी के तो हे पाए याद है पाए अभी वो आगे को पाई हो उठा के लगा ये बिना जिंदगी में जिनमें इन्हीं आजाद मानू जिंदगी मानू आजाद हलबुल मजाक है तमाम घड़ो हर शे ख्याल करो पसंद शिताब में पसंद शेयर पसंद शे बाकी रवाजी शुरू में पास बेपना तेज फहम मूँ उन गलत बयान क्यों पकड़ी टी सेकंड पर पलिए साहब में यह मासूम फकीरी हुई तो वो इन शहरों बिना पली साहब लंडन वो उत डॉक्टर अली गुल बख्त जमाल पली साहब डिफेंस वाले उत फोन ते फोन फोन ते फोन सजी फोन आलम शाह मोक लंडन में कड़ो कम सही आलम शाह पली साहब की घुर्ज पे उत फोन ते फोन छो आलम शाह कपड़ा वपड़ा वी सब शे बैग सेट कर शूं तैयार कर साई के पेंट शर्ट वी साई चौक या वी साई के मोकिल साई वो वीजा जो लगस साई चौथे में मोटी आया वही हफ्तों फोन पे कर जुट थी वही थी वैस पली साहब का पली साहब सभी कमरे बैठो लंडन में घुरा गई कम जो कम जो कम भी कौन मिले बैठो आया चीज हिकड़ी दी हलो अखबार कोट कोट पाए हलो उतने किताब घर में ट्राली होंगी है दारू हों वकील खड़ो जी इतने किताब चुनी हो गाड़ी पी सारी ट्राली भरी और किताब की मोटी आयासे चीज मां चुमान रात जो आखिर मुख्य घुराया घुरा हालांकि तमाम तेज रती बराबर सदी के समक क्यों सहड़ो तो समझा तो इन गाल हकीकत यह है तो सिंध के समाज में वक्त का अग पैदा थल मानो जी इदराक फहम की लेवल हुई सलाहतों के इलमी हो इन कैलिबर जो मानो तो वही दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी में वही लेक्चर दे हा वन वन इलमी मजलिस में हुए हा वन वन स्कॉलर्स फलसफन से गुड वे हाँ मकाम वो जो ये चाहे हा तो ये उन कर अजब की गाल नहीं तो उनके मौका न मिले उनके मौका हुआ कर वही गाल उनकी चूंड हुई या उनकी चॉइस हुई तो उन हयाती इतने गुजारी इतने मानून से गुजारी इतने मानून लाए गुजारी आम मानून से गुजारी यह तमाम वही मतलब रुगो ये ना तो मानू जो इल्म वो आ मू वो मानू जो तखलीक अदब आदो मानू पर हि जी शेलीबर जो मानू लतीफ साई की सिफ है जग सी जड़ो जग हिं सी हुत चरे तो हि मानू हो जैसे खबर ही पूरी तरह तो कड़े पाए जो मानू आया उनके पूरा इदराक हो तो मुझी सतह कड़ी है यह भी खबर है तो समाज कड़ी लेवल जो जमीन आसमान जो फर्क है पर उन कदें यो बहानो पेश करे पंजे समाज का पा ही कटो को या का बी हयाती को चूंड कई जैमें उनकी हयाती जो मसरत समाज का सवाल वो बो समाज या तमाम वही गाल है।
पलीअ साहब असां चई सघूं था त असां ख़ुशनसीब आहियूं त अहिड़े पसमांदा समाज में जिते इल्म नाले का शइ सभिनि खां वठी कोन रही आहे। गहिरो त परे जी ॻाल्हि आहे, गहिरो त अपो जी ॻाल्हि आहे, इल्म ई न आहे गहिरो वठणु आहे। तमामु हे सवे हज़ारे पीएचडी वठंदड़ माण्हू आहिनि, उहो समाज में इल्म था थियनि, समाज ख़ुशियूं थी थियनि। त पलीअ साहब जो इहो कमाल आहे ऐं मां इन ॻाल्हि ते नौजवाननि सां ॻाल्हि पूरी थो कयां त ईअं त ॾिनो त वरी मिसाल तौरु को हुनखे साज़गार हालतूं मिलियो। मिसाल तौरु पाण चवंदो बार बार चवंदो त मां मदरसे में पढ़ियुसि, मां पंहिंजी माउ खां ॾह रुपया वठी कराची वियुसि ऐं सिंध मदरसे में रेगुलर पढ़ियुसि। बसि सिंध मदरसे खां पोइ पलीअ साहब कॾहिं बि हयातीअ में कंहिं कॉलेज यूनिवर्सिटी में रेगुलर न पढ़ियो। एस एम लॉ कॉलेज में हुनखे डॉक्टर दाऊदपुर खे स्कॉलरशिप ॾिनी ॿिए साल में, उहा बि रेगुलर क्लास में कंदो जॉब कंदो। पलीअ साहब टीचर रहियो, पलीअ साहब क्लार्क रहियो, लाइब्रेरी जो असिस्टेंट रहियो, पलीअ साहब लाइब्रेरी में सुम्हंदो, पलीअ साहब जी त माना हिकिड़ो माण्हू तमामु हिकिड़े अहिड़नि हालतुनि में छा थींदो थींदो त उहो रसूल पलीअ जो असांखे कहिड़ी खुटी थियणो आहे जो साज़गार हालतुनि जे बावजूदि बि मतिलबु इन तरफ़ नथा वञनि। भई नौजवान तव्हां वेठा आहियो सभु, त इन करे को बि बहानो अजायो आहे। अहिड़ा माण्हू मिसाल आहे त सभु कुझु करणु मुमकिन आहे, सभु शइ मुमकिन आहे, जीअं हुन माण्हू करे ॾेखारियो। त मां इन ॻाल्हि खे पूरो थो कयां त असांजी ख़ुशनसीबी आहे त असांजे समाज में अहिड़ो माण्हू बि पैदा थियो, ॿियनि ॿिया बि माण्हू पैदा थिया अकेलो पलीअ साहब ऐं जंहिंखे ॾिसी फ़ख्रु थींदो, जंहिंखे ॿुधी फ़ख्रु थींदो ऐं जंहिंखे पढ़ी फ़ख्रु थींदो ऐं जंहिंजी नरगो हयाती पंहिंजे माण्हुनि खे निजात लाइ गुज़री, इल्म निजात लाइ गुज़रियो, लिखियलु लफ़्ज़ पर अॼु रहियो न आहे मौजूदु। तव्हांखे मां दिलचस्प ॻाल्हि ॿुधायां, जेको बि समाज में बहरान उभरे थो अॼु बि रसूल पढ़ी तकरीर कमु थिए थो। उन ॻाल्हि माण्हू तकरीर खां पेश थो करे हे जवाबु ॾिए, मज़हबी ता पसंदी जे मुंहं में हू जवाबु ॾियो। अॼु बि तव्हां जेको सुवालु खणो, रियासत जो सुवालु खणो, समाज जो सुवालु खणो, फिक्री सुवालु खणो, शयूं खणो, माण्हू अॼु बि हुन जूं शयूं खणी समाज बीहारे था त हू अॼु बि सिंध जो केस मिली रहियो आहे, सिंध जी नुमाइंदी करे रहियो आहे ऐं एतिरनि वसी मैदाननि ते। त ईअं न आहे त को त हाणे असांखे जेका मूंखे कल्ह दिलि में ख़्यालु आहियो कचहरी कजे कजे त इन ॻाल्हि खे मां पूरो कयो त हींअर हुन जी तारीफ़ कबी उहो असांजो मोहताज न रहियो आहे। हुनखे कहिड़ी ख़बर पाण तारीफ़ कयो, रूहानी माण्हू पाण कोन हुयो मूंखे ख़बर पवंदी हुई। हू हाणे असां गिला कयूंसि त बि असां खां बेनियाज़ आहे, असां तारीफ़ कयूंसि त बि असां खां बेनियाज़ आहे। उहो असां पंहिंजे वक़्तु पूरो करे कमु करे वियो हुयो। हाणे जेकॾहिं असां हुनखे पढ़ूं था, सम्झूं था त इहो असांजो अहसान पंहिंजो कंदो अथव। उहो रसूल बख़्श पलीअ ते को अहसान कोन्हे, छो हुनखे असांजी ज़रूरत ई न आहे, हुनखे ख़बर बि न आहे। उहो पंहिंजी भाई लाइफ पूरी करे थो, असां साइंसी ख़्याल आहे माण्हू आहियूं, असां कोन्हे त हुनखे ख़बर पवंदी हूंदी अहिड़ी ॻाल्हि। हाणे जेकॾहिं असां हुनखे ट्रिब्यूट पेश था कयूं, असां हुनखे मुहबत जो इज़हार था कयूं त उनजो सभ खां वॾो तरीक़ो ज़रियो इहो आहे त असां हुनखे पढ़ूं, हुनखे सम्झूं, हुनखे ॿुधूं ऐं हुन जहिड़ा थियण जी कोशिशि कयूं। हुन जूं ॻाल्हियूं हुयूं ऐं जेके हुनजा मैदान हुआ त इहो ई सही माना में ट्रिब्यूट थी सघे थो वॾनि माण्हुनि खे। बाक़ी हाणे ज़ाहिर आहे त हू असां तव्हांजी तारीफ़ या गुलाब फुल जा मोहताज न रहिया आहिनि, उहो ॿिन्ही खां वेंदा अथनि। हिन ॻाल्हि ते मां पूरी कई सवाल आहे। थैंक्यू साईं। सवाल इहो आहे त पलीअ साहब औरतनि खे अॻिते वठी आया, मतिलबु हिन रोडनि ते वठी आया जीअं ऐं सियासी हवाले सां, अदबी हवाले सां या मज़हबी हवाले सां जेको फिक्री सवाल जे हवाले सां सिंधी में जेको वॾो हुन मौलवी साहब सां जेके बहस थिया हुआ, सो अहिड़नि अहिड़नि माहौलनि में जीअं अंधा हूंदा वेज में जेके हुन लिखिया आहे या अंधा हूं अमेक मां जेका आलमी शायरी जो हुनजी जेका ट्रांसलेशन आहे, सो उन अहिड़ियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हाणे उन सां कॾहिं अहिड़ा मसला दरपेश आया तोहीन वारा या फतवाऊं वारा या जीअं हाणे अमर जलील जे हिकिड़े कंहिं लफ़्ज़ या हिकिड़े ते माना एॾो वॾो एॾी वॾी धूम अची वञे थी
पली साहब एडियो वड़ी गाल रूमी जहाँ शहर ज कुरान जो दिमाग असा सूफियन पान वट रखी छोड़ हड्यू कुतन के अगर उछली छद ये शली साहब ऑन द स्क्रीन चयों भी आन यो रिटन फॉर्म में आंधा उंदावेज में या काफ़ी आंधा उमेक में भी ये शूँ लिखी हुई सो ये इं बयान करण जे करे पली साहब से अड़ा कोई अड़ी कोई सिचुएशंस आयो या जैसे आयो तो उन्होंने कें फेस किया सबब हुआ जिनके इं नए सवाए लाहौर में गोड़ थो इकबाल जिना स्वादी मजमू तरह पली साहब की जिंदगी में जो उनकी शहूरी जिंदगी है जैसे ठही बीठो कें भी मुल के कें पीर के कें मू के ताकत नहीं उनके बारे में उन्हें सबब बुझा चुको मजहबन जो तमाम बड़ो आलिम मजहब जो न मजहबन जो आलिम इन करे उनके मजहबन के बारे में जो इदराक है जान ही वह आम तरह मजहबी आलम के नाए या उन्हें खबर भी आए एक बी गाल पली साहब की जी बोली आल थोड़े लिखण भी मानू चेक कर सकता पली साहब की जी कलाम की सलाहत है कलाम गाल सलाहत है वह एडी आर्टिकुलेट हुई उनके जब्त में जो पली साहब के खबर हुई तो लफ्जन की चूंड कड़ी कजे इंतखाब कड़ो कजे जो तुम इल्म तनो आतो तेजे मौजूद से ओतरी कमान है दस्तरस इन कर पली साहब गाल तमाम कुछ कर पर कंदो अड़े अंदाज से हो जैमें झलण मुमकिन न हो उनके झलण मुमकिन न हो कानूनी मानू भी हो यात्रा में तो कोई कानूनी मानू कद वट को इन कर पली साहब पॉलिटिकल मामला ये रख जो उनके हर शाले पर वो लीगल माइंड हो तो उनके खबर ही ताकि मजहबी हसास मामल के बारे में उन जे सारी उम्र गाल लिखो उन सबक उनकी इल्मियत उनको इल्मियत से गुड यो आर्ट ए फन हो उनके गाल के सलाहियत दस्तरस हुई जो हू पी इन चबो है आर्टिकुलेट एडी मुनजम गाल एडी कंपोज गाल जो मानू लिखे तब गाल सागी गाल तब गाल सागी इकड़ी दायरा मानू की सलाहत जो महराज है इन कर टी गाल पली साहब की सतह ही मानू को इन कर कह को हर भर मणी कें चिड़ा लग रहा है तो हल मानू इन कर मू गाल नी अचे या उनके गाल बिहार नी अचे तो मसला छो हसास मौजूद ना ये रुगो इन कर कोई भले मसला हसास हर किस्म जहाँ मामला हसास समाज में कल्चर हसास ना कल्चर हो मजहब हो अकीदो हो मामला हो इन कर पली साहब की जो झले पकड़े ना सको इन सिलसिले में कदम भी उनको सबब उनको इल्म हो उनकी गाल रखने जो दाव हो जैमें उनके झले सकें मुमकिन ना टी गाल उनको मकसद ही न हों जो मांग के चेड़ा है उनको मकसद उनके भी समझाण हों यानी पली साहब जो मजहब से गाल हों तो पली साहब जो यो भी इरादों हों तो मुलो भी समझे वो उनके भी समझा चाहिए हो तो अगली गाल है इन कर पली साहब इकड़ी आलमान